पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि बिग बॉस 14 विनर रूबीना दलाल रोहित शेट्टी के रियलिटी शो खतरे के खिलाड़ी 11 में नजर आएंगी। हालांकि बाद में ऐसी भी खबरें सुनने को मिली कि रूबीना ने किसी वजह से खतरों के खिलाड़ी 11 के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में फैंस को समझ में नहीं आ रहा है कि रूबीना वाकई खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आएंगी या नहीं। लेकिन रूबीना दिलैक हाल ही इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वो स्टंट बेस्ड रियलिटी शो का हिस्सा है या नहीं। जब एक फैन ने पूछा कि क्या अब खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आएंगी, तो रूबीना दिलैक ने जवाब दिया, शायद इस साल नहीं, क्योंकि मैंने शक्ति अस्तित्व के एहसास से साइन कर लिया है और मैंने इस शो को अपनी जी जान दी है। बाकी अभी सरप्राइज ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे मेरे फैंस को सरप्राइज देना अच्छा लगता है। वहीं रूबीना दिलैक शक्ति टीवी शो में वापसी कर चुकी हैं। वो इस शो में सौम्या का किरदार निभा रही हैं, लेकिन साल 2020 में उन्होंने इस शो को बीच में ही छोड़ दिया था। शक्ति को बीच में ही छोड़ने और फिर दोबारा वापसी पर रूबीना दिलैक ने बताया कि उस वक्त मेकर्स बहुत बड़ा लीड ले रहे थे, लेकिन जिस सोच को लेकर मैंने शो छोड़ा था, अब उसी सोच को रिस्पेक्ट करते हुए मेकर्स ने मुझे वापस शो में ले लिया है। रूबीना दिलैक अपनी वापसी से बहुत खुश है। इसके अलावा खतरों के खिलाड़ी 11 के लिए एजाज खान, वरुण सूद और अर्जुन बिजलानी ने अपनी हामी भर दी है और तीनों 15 अप्रैल से 25 मई तक अबू धाबी में रोहित शेट्टी के साथ शो की शूटिंग करेंगे। साथ ही शेफाली जरीवाला, राहुल वैद्य, अभिनव शुक्ला और निक्की कंबोली का नाम भी खतरों के खिलाड़ी 11 की लिस्ट में शामिल है।